अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ठीक सुना था मैंने, तो चूटी के पर निकल आए। मैं भी जरा देखूं कितनी ताकत तुझ में है, तालाया लगा है। ये रही चाबी। किसी ने भागने की कोशिश की तो लंगड़ा कर दूंगा, पुलिस में कंप्लेन की तो गूंगा, और गवाही दी तो अंधा। दोस्तों, आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, आपने उन्हें 70s और 80s की कई फिल्मों में नेगेटिव रोल्स में देखा होगा। आप उनके चेहरे से तो वाकिफ होंगे, लेकिन उनके नाम और उनके काम के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं रफ एंड टफ मानिक ईरानी की। इंस्पेक्टर, आज तक वो पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ जो मुझे और मेरे बच्चों को यहां से ले जा सके। हाँ इंस्पेक्टर, मैं और मानिक भाई चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना ये वर्दी उतार दूंगा और चेहरा भी बिगाड़ दूंगा, समझे? तुम? हाँ मैं। तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गया ना तुम्हारे ठिकाने तक। कहाँ है वो तेरा दूसरा साथी? उस दिन तुम लोगों ने मेरा 5 लाख का नुकसान कराया, आज बदले में मैंने 5 मन सान का दूध ना पिलाया तो मेरा नाम भी छेदी राम नहीं। 23 अक्टूबर 1953 में पैदा हुए थे मानिक मुंबई में एक मिडिल क्लास पारसी परिवार में। मानिक को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस कुश्ती के दीवाने थे यानी रेसलिंग के, और साथ ही साथ उन्हें एक्शन फिल्मों का बहुत शौक था और उनका सपना था कि वो फिल्मों में स्टंट मैन बने। इसलिए बहुत कम उम्र में उन्होंने स्ट्रीट बॉक्सिंग शुरू कर दी। एक दिन मशहूर एक्टर और फाइट डायरेक्टर शेट्टी यानी रोहित शेट्टी के फादर मानिक का एक स्ट्रीट बॉक्सिंग का मैच देखा, वो उनसे बहुत इंप्रेस हुए। मानिक का फाइटिंग करने का अंदाज शेट्टी साहब को बहुत पसंद आया। शेट्टी साहब उनसे मिले और अपनी फाइटर्स की टीम को ज्वाइन करने का मानिक को ऑफर दे दिया और कहा कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और फिल्मों में फाइटर बन जाओ, लेकिन इसमें काफी खतरा है, क्या तुम कर पाओगे? मानिक ने कहा कि खतरों से खेलना तो मेरा पैशन है। चुनांचे मानिक ने शेट्टी साहब की टीम को ज्वाइन कर लिया। मानिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मानिक कहते थे कि आम तौर पे प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि कुआं खुद चल के मेरे पास आया और मेरा सपना सच हुआ। मानिक शेट्टी साहब के साथ काम करने लगे और साथ ही साथ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी करने लगे। दोस्तों, 70s के दौर में रोमांटिक फिल्मों का सिलसिला खत्म हो रहा था और एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हो रहा था, और हमारी सदी के महानायक यानी श्री अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन गए थे, और अमित जी की ज्यादातर फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर थे शेट्टी साहब, और इत्तेफाक से मानिक ईरानी की कद काठी हू बहू अमित जी से मिलती थी, इसलिए शेट्टी साहब ने अमित जी की ज्यादातर फिल्मों में मानिक ईरानी को उनके बॉडी डबल का रोल दिया यानी डुप्लीकेट, और वो फिल्में थी दीवार, त्रिशूल और डॉन। बॉडी डबल बनने और स्टंट्स करने के साथ साथ मानिक फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी करने लगे, ज्यादातर फिल्मों में विलेन के हेंचमैन के रोल। मानिक फिल्में तो कर रहे थे,
लेकिन नोटिस नहीं हो पा रहे थे। उसी दरमियान 1979 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें मानिक नोटिस हुए। फिल्म थी मिस्टर नटवरलाल, जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन, और उसमें मानिक का एक अच्छा रोल था। लेकिन ये अवतार सिंह तो मेरे ही हाथों मारा गया था, ये उसका अवतार लेके कौन आ गया? लेकिन विक्रम साहब, उसने अपना नाम अवतार सिंह ही बताया है। मिस्टर नटवरलाल के बाद मानिक को अच्छे रोल्स मिलने लगे, और वो फिल्में थी शान, नास्तिक, नसीब, मर्द और हीरो। तुम हमारे लफड़े मत आओ, ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला। तो हमसे दुश्मनी? अपनी बस्ती, अपने चमचे और चाकू चूरी के साथ? बंगाली की शादी का वादा सिर्फ जैकी ने किया है, तो जैकी ही मरेगा। 1983 में फिल्म हीरो में मानिक को एक नई पहचान मिली। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था बिल्ला, जो लोगों को बहुत पसंद आया। दोस्तों, 80s के दौर में मानिक ईरानी प्रैक्टिकली हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे। वो बहुत बिजी हो गए थे और उनकी फाइनेंशियल हालत भी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि दौलत जब आती है तो अपने साथ गलत आदतें भी लाती है। मानिक को शराब पीने की बुरी लत लग गई थी, यहां तक कि वो शराब पीकर एक्सरसाइज करते थे, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। उन्हें फिल्मों की ऑफर्स तो आ रही थी, लेकिन अपनी खराब सेहत की वजह से वो शूटिंग्स अटेंड नहीं कर पाते थे। नतीजा ये निकला कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया। जब इंसान को काम करने की आदत हो और जिंदगी भर वो काम में बिजी रहा हो, और अचानक जब उसे काम मिलना बंद हो जाए, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और मानिक के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो डिप्रेशन में चले गए और ज्यादा शराब पीने लगे, जिसकी वजह से उन्हें जॉन्डिस हो गया था, और जॉन्डिस में वो और शराब पीने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिवर ने काम करना छोड़ दिया, और 16 जून 1991 में मानिक ये दुनिया छोड़ के चले गए एकदम गुमनामी में, एट अ यंग एज ऑफ 38। दोस्तों, हम आपको बताएं कि मानिक अपने पीछे अपनी बीवी और एक बेटे को छोड़ गए। उनके बेटे का नाम था शानूर ईरानी, और वो भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि रिसेंटली शानूर की भी डेथ हो गई। दोस्तों, भले ही मानिक ईरानी एक नामचीन एक्टर नहीं थे, लेकिन लोगों को उनका काम हमेशा याद रहेगा। ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबसुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।